हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। सेक्स रेशियो जो है, हम ये कह सकते हैं कि लिंग अनुपात जो है वो ये शो करता है कि किसी भी एरिया के जो मेल और फीमेल जो पीपल हैं वहाँ के, उनका जो काउंटेबल अकाउंट होता है दैट हैज़ टू बी नोट डाउन इन इट। स्टेट और कंट्री, किसी भी राज्य या देश के पुरुषों और महिलाओं की गिनती को हम जो है सेक्स रेशियो कहते हैं, उस अनुपात को हम सेक्स रेशियो कहते हैं। इन इंडिया नंबर ऑफ फीमेल आर पर 1000 मेल रिसाइडिंग इज सम ज्योग्राफिकल रीजन इज इट्स मेजरमेंट यूनिट। इट मीन्स सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। कि अगर हम कहें कि इंडिया में हम नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स में अगर हम निकालते हैं, कि जब हम 100,000 पुरुषों पर महिलाओं की जो गिनती करते हैं या महिलाओं का जो आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, उसे हम उस मेज़रमेंट यूनिट को जो है सेक्स रेशियो कहते हैं। इट मीन्स सेक्स रेशियो, इसका मतलब ये है कि सेक्स रेशियो इज़ द नंबर, ये एक वो नंबर है ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, की औरतों की 1000 पुरुषों पे जो नंबर होगा उस नंबर को हम सेक्स रेशियो कहेंगे। द इंफॉर्मेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी और कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इंफॉर्मेशन एन इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर, सूचना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक इंडिकेटर है, जिससे हम ये मेज़र आउट कर सकते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे समाज में क्या इक्वालिटी है, क्या कंडीशंस हैं मेल और फीमेल मेंबर्स के बीच में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम 2011 के सेंसस के बारे अकॉर्डिंग बात करें, द रेशियो ऑफ द कंट्री इज़ 9940, मीन्स अ नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल इज़ मेयरली 940। कि अगर हम 2011 के सेंसस के बारे में अगर अकॉर्डिंग हम बात करें, तो उस समय जो है हमारे 1000 पुरुषों के ऊपर 940 महिलाएं मानी गई। सेक्स रेशियो ऑफ केरला इज़ हाईएस्ट एट 1084, और केरला के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो ज़्यादा पाया गया, वहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं थी। एंड सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा इज़ लोएस्ट एट 879 ओनली, और अकेले हम हरियाणा के सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम, ओवरऑल इंडिया में सबसे कम पाया गया, जो कि 1000 पुरुषों पे केवल 879 फीमेल्स थे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान, सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान जो है 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो है अगर हम बात करें तो इट विच इज़ 928, तो 928 माना जाता है, विच इज़ स्लाइटली हायर देन सेक्स रेशियो ऑफ 2001। और अगर कंपेयर करें 2001 के सेंसस को 2011 के सेंसस में, तो 2001 में जो राजस्थान का सेक्स रेशियो था वो 921 था, जो कि 2011 में बढ़कर 928 हो गया। The sex ratio of 2011 census is the highest of all the census since 1901 से लेकर जितने भी sex ratio अगर हम study करते हैं तो उसमें 2011 का जो sex ratio है वो सबसे highest माना गया है। This is an indication, और ये हमें indicate करता है, ये हमें दर्शाता है of social progress is the state, कि इससे हमारे राज्य का जो सामाजिक स्तर है वो प्रोग्रेस हुई है वो शो करता है। द नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज़ हाईएस्ट इन राजसमंद एंड डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कि फीमेल्स का पर 1000 मेल्स पे हाईएस्ट होना, अगर हमारे राजस्थान की पर्टिकुलर हम बात करें तो राजसमंद और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा पाया गया है। देयर आर 990 फीमेल्स इन डूंगरपुर, अकेले डूंगरपुर में 1000 मेल पे जो है 990 फीमेल्स पाए गए हैं, एंड इन राजसमंद पर 1000 मेल्स 968 फीमेल्स इन राजसमंद, एंड डूंगरपुर में जो है 990 महिलाएं पाई गई थी 1000 पुरुषों पे, और अगर हम राजसमंद की बात करते हैं तो इट इज़
968 females in Rajsamand. Dholpur has lowest sex ratio in the state, where there are 845 females per 1000 males. धौलपुर जो है वो सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो रखता है, जिसमें कि सिर्फ 845 महिलाएं ही 1000 पुरुषों पर पाई गई. सेक्स रेशियो इन अर्बन एरियाज हैव बीन हायर देन रूरल एरियाज. अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो ये बहुत हाई पाया जाता है एज कंपैरिजन ऑफ रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन में. द रीज़न बिहाइंड सेक्स रेशियो इन फेवर ऑफ मेल्स आर सबस्टैंड पोजिशन ऑफ द फीमेल इन सोसाइटी एंड देयर पुअर एक्सेस टू सोशल एंड इकोनॉमिक एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज. इससे जो सेक्स रेशियो को हम अगर स्टडी करते हैं और इसमें अगर फीमेल्स का क्वांटिटी कम पाई जाती है, देन वी हैव टू बी नो द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द फीमेल इन दैट सोसाइटी, कि उनका जो सामाजिक स्तर है वो कैसा है, उनका आर्थिक स्तर जो है वो कैसा है, उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनका हम आंकड़ा लगा सकते हैं. अदर देन दिस फीमेल पेस्टिसाइड्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस. और ये जो है कि भ्रूण हत्या जो है वो भी इस रेशियो को कम होने के का एक बड़ा कारण माना जाता है. गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट, सरकार जो है अपने प्रयास कर रही है टू सेव द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को बचाने की बहुत कोशिश कर रही है. बट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू पब्लिक अवेयरनेस एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी. लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इफ़ वी आर नॉट अवेयर रिगार्डिंग द गर्ल चाइल्ड, दैन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस दैट वी हैव टू बी सेव द गर्ल चाइल्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनता को हम अवेयर करें, लोगों को हम जागरूक करें और उनके अंदर इस एजुकेशन को, इस शिक्षा को स्प्रेड आउट करें कि गर्ल चाइल्ड जो है वो हमारे नेशन के लिए या हमारे स्टेट के लिए या हमारे गांव के लिए जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है. देन वी हैव टू बी सेव द गर्ल चाइल्ड एंड वी हैव टू बी डेफिनेटली इंक्रीज द सेक्स रेशियो ऑफ द our state or we can say our country. Now the next reason for the population growth in that is urbanization, shahrikaran. Urbanization means the ratio of urban population of to the total population of the region. कि शहरीकरण का जो ratio है जब हम वो पूरी population में से एक particular क्षेत्र में से निकालते हैं. The reasonable factor for this increasing level of urbanization in India and migration of people from rural area to urban area. कि urbanization का जो सबसे important अगर हम कोई reason निकालते हैं, कोई factor निकालते हैं, तो वो ये होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका शहरों की ओर जो movement है, जो प्रवास है, वो सबसे बड़ा इसका कारण माना जाता है. physical expansion of cities, population increase in urban areas and transformation of rural areas in new urban centers. So we have to be see all the things in the urban as well as in our rural areas. After independence, आज़ादी के बाद की अगर बात करते हैं तो number and size of cities have increased. तो शहरों का जो number है और उनका जो size है वो दोनों ही rapidly increase हुए हैं, तेज़ी से increase हुए हैं. And percentage of urban population has also increased. और इसी के साथ में जो शहर हैं उनकी जो जनसंख्या है उसमें भी इंक्रीज हुआ है. ऑन वन साइड अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द इंडिकेशंस ऑफ डेवलपमेंट. अगर एक तरफ हम देखें तो औद्योगिकरण और शहरीकरण जो है वो विकास के प्रतीक माने जाते हैं. बट ऑन द अदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इट इज़ क्रिएटिंग इम्बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट and exploitation of natural resources and responsible for degradation of environment in many ways. तो क्या होता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये औद्योगिकरण है या शहरीकरण जो है वो हमारे डेवलपमेंट को शो करते हैं, बट दूसरी तरफ हम देखें तो ये हमारे एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनके जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनके बीच में इम्बैलेंस ये क्रिएट करते हैं. एज पर इंडियन सेंसस एंड अर्बन सेंटर इज़ अ As per Indian census, an urban center is a place where population size is 5000% and above.
कि अगर इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अर्बन जो सेंटर्स हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो केंद्र हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज़ है वो 5000% होता है पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी जो अगर हम जनसंख्या घनत्व की वहाँ पे बात करें तो 400 लोग जो होते हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में आते हैं। एंड अबव एंड मिनिमम 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड नॉन एग्रीकल्चर वर्क। और वहाँ पे अगर किसी एरिया को आप शहर में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ की मैक्सिमम 75% जो पॉपुलेशन है मैन जो हैं, मेल जो हैं, वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क्स में इन्वॉल्व होनी चाहिए। अदर देन दिस इज़ अ प्लेस विद म्यूनिसिपैलिटी, और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी भी होनी चाहिए, म्यूनिसिपल काउंसिल होना चाहिए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होना चाहिए, कंटेंटमेंट बोर्ड्स होने चाहिए। नोटिफाइड एरियाज़ आर ऑल्सो कंसिडर इन द कैटेगरी ऑफ अर्बन एरिया। यानी ये जो फैसिलिटीज़ हैं अगर ये सब किसी एरिया में फाइंड आउट होती हैं देन दैट रूरल एरिया हैज़ टू बी कंसीडर एज द अर्बन एरिया। द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज़ मोर देन अर्बन पॉपुलेशन। अगर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को हम कंपेयर करते हैं तो वो शहरों की जनसंख्या से ज़्यादा पाई जाती है भारत में। अबाउट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लाइव्स इन विलेजेस। भारत की 2/3 जनसंख्या जो है वो गाँवों में निवास करती है। इट शोज़ और ये दर्शाती है दैट एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द कंट्री, कि भारत का जो मेन व्यवसाय अगर हम बात करें तो वो कृषि है। इन इंडिया रूरल पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइन ग्रेजुअली एंड प्रोपोर्शन ऑफ द इन इंडिया रूरल पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइन। भारत की हम बात करें तो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है ग्रेजुअली, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। और यहाँ पे जो शहरी जनसंख्या है वो इंक्रीज़ हो रही है। द मेन रीज़न बिहाइंड इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। और इसका जो मेन कारण अगर हम देखें तो वो है कि लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन करना फॉर एम्प्लॉयमेंट, और ये रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए या अदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए लोग जो हैं गांवों से शहरों की ओर मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर हम भारत की 121 करोड़ जनसंख्या की बात करते हैं तो 83.3 करोड़ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। तो यहाँ पे 83.3 करोड़ जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो गांव में रहती है, एंड 37.7 करोड़ पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया, और 37.7 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो अर्बन शहरों में रहती है। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ लिविंग इन रूरल एरियाज़। तो इससे ये अंदाज़ा हमें लग जाता है कि हमारा जो 70% जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। टेबल नंबर 12.6 शोज़ द रेशियो ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन वेरियस डिकेड्स। दीज फिगर्स आर क्लियरली डिपिक्टिंग that the proportion of urban population is increasing in every decade, which indicates migration of rural population towards urban area. तो ये शो करती है कि किस तरह से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जो पीपल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, हर दशक में माइग्रेट कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों की ओर। इन राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 75.13% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और 24.87 जो परसेंट लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। ऑल्दो द टेंडेंसी ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ इंक्रीजिंग इन स्टेट, बट स्टिल 3/4 पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान लिव्स इन एरिया रूरल एरिया एंड एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, कि जो 3/4 जो पॉपुलेशन है राजस्थान की वो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, और उनका मेन जो व्यवसाय है वो आज भी कृषि ही माना जाता है। देन पॉपुलेशन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो द बेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी बॉड, दैट इज़ वाई स्मॉल एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन बिग वे इन द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन केस ऑफ इंडिया। दिस एक्सेसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ एन ऑब्स्टिकल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कि इससे जो हमारे आर्थिक विकास है देश का वो बहुत बाधक होता है। ओवर पॉपुलेशन ऑल्सो इफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, और ज़्यादा जनसंख्या होने से लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी प्रभावित होता है। वी हैव टू यूज़ मोर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू
to fulfill the basic needs of food, clothing, shelter and education and healthcare services. और इससे जो है हम जो हमारी basic needs हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जैसे खाना है, कपड़ा है, रहना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, apart from this it create problems of unemployment and poverty. और इसी के साथ में बेरोज़गारी और गरीबी जैसी समस्याएं भी जो हैं वो देश में इंक्रीज़ होती हैं. देयर आर ऑल्सो अदर प्रॉब्लम्स लाइक स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउसिंग. इसी के साथ में हम अगर कहें कि कुछ और प्रॉब्लम्स भी रेज अप होती हैं, जैसे कि पीने के पानी की, बिजली की, ट्रांसपोर्ट की और रहने की जो समस्याएं हैं वो इंक्रीज होती है. डिक्लाइन इन डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो इट्स गुड कैरेक्टरिस्टिक, कि जैसे हमारे मृत्यु दर में जो कमी हुई है वो भी एक अच्छी हम कह सकते हैं कि विशेषता है. द मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज डिक्लाइन इन बर्थ रेट विच कैन बी सॉल्व बाई रिड्यूसिंग बर्थ रेट. और जो मेन कारण है जनसंख्या की वृद्धि का वो हम कह सकते हैं कि बर्थ रेट को हमें घटाना होगा एंड देन वी हैव टू बी सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम. देन पॉपुलेशन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कीपिंग द फैमिली साइज स्मॉल, कि हम अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे देश की तो हमें हेल्थ एंड वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए और उसके हिसाब से जो हमारी फैमिलीज का जो साइज़ है वो हमें स्मॉल रखना होगा. कीपिंग इन माइंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑन अ लार्ज स्केल इन 1952, कि भारत की सरकार ने जो है 1952 से परिवार नियोजन जो प्रोग्राम है उनको स्टार्ट किया है. फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज वर्किंग टू एनकरेज रिस्पॉन्सिबल अनप्लान्ड फादरहुड. और इससे जो है कि हम ये कह सकते हैं कि परिवार नियोजन के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें किसी भी फादरहुड के हम ये कह सकते हैं कि उनको एनकरेज करता है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है और प्लान जो फादरहुड है उसके लिए हम मोटिवेट करते हैं. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज़ द रिजल्ट ऑफ प्लान एफर्ट्स ऑफ मैनी ईयर्स. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो इस एफर्ट्स को शो करती है. Now students, आज के लिए इतना ही. I hope that you all have to be understand it very clearly. Thank you so much for watching this video.